उत्तराखंड में सियासी बिसात बिछ चुकी है। तमाम सियासी दल एक दूसरे को पटकनी देने पर तुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है और कांग्रेस भी। किसकी जय होगी, किसकी मात, कौन जीतेगा, इसके नतीजे मार्च में आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने कैंपेन में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, खंडूड़ी है जरूरी, इसका कितना असर उत्तराखंड में है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस किस तरीके से पटकनी दे सकती है। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत, जो उत्तराखंड के कद्दावर नेता हैं और किस तरीके से आश्वस्त हैं, उन्हें कितना भरोसा है उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में। बात करते हैं हरीश रावत जी से। रावत जी, खंडूड़ी है जरूरी, ये कैंपेन जारी हुआ है। देखिए, जरूरी तो विकास है, जन समस्याओं का निराकरण है, नौजवानों को नौकरी मिले वो जरूरी है, अच्छा प्रशासन दें वो आवश्यक है, राज्य तेजी से आगे बढ़े ये जरूरी है। अब भाजपा के लिए खंडूरी जी जरूरी हैं या मजबूरी हैं ये भाजपा बेहतर जानती है, मगर राज्य के लिए तो मेरा मानना है विकास जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक चीज को लेकर काफी प्रसन्न नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में 23 से ज्यादा बागी हैं और उन बागियों की तरफ इशारा करते हुए उन लोगों ने आश्वस्त होने का भी एक संकेत दिया है। भाजपा कैडर बेस पार्टी है, जब उनके यहाँ इतना बड़ा विस्फोट है, हम तो एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी में बहुत लोग अपनी आवाज उठाते हैं, कई बातें करते हैं और कुछ उनका समाधान निकल आता है, कुछ उनका समाधान नहीं निकल पाता। वैसे जो लोग बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं हमारे साथी हैं, बहुमूल्य साथी हैं, हमें तकलीफ है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग, हमें उम्मीद है अभी 2-4 दिन में स्थितियों को समझेंगे और अपनी उम्मीदवारी वापस लेंगे, पार्टी के काम में जुट जाएंगे, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। मगर भाजपा को अपने घर में लग गए रोग को देखना चाहिए कि एक कैडर बेस पार्टी में कैसे इस तरीके की विस्फोटक स्थिति आई है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, मार्च में कांग्रेस शपथ लेगी, तो ऐसे में आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, राज्य की जनता इस समय परिवर्तन के लिए आतुर है। लोगों ने पिछले 5 सालों में एक बहुत बुरी सरकार को झेला है, कोई काम होता हुआ लोगों को नहीं दिखाई दिया है, जन समस्याओं के ढेर बनते गए मगर समाधान कहीं से नहीं निकल पाया। नौजवानों के हाथ में डिग्री रही, पद एडवर्टाइज भी हुए, लेकिन राज्य सरकार उनको भर नहीं पाई। स्पेशल कंपोनेंट प्लान से लेकर के जो हमारे फ्लैक्सिप योजनाएं हैं राष्ट्रीय, मनरेगा से प्रधानमंत्री सड़क योजना तक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से लेकर राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन तक, और भी कई हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया राज्य को, मगर राज्य पैसे को खर्च करने के मामले में फिसड्डी साबित हुआ। तो लोगों को लग रहा है कि इन 5 सालों में हमारा उत्तराखंड पीछे की तरफ आया है आगे बढ़ने के बजाय, जबकि देश के दूसरे राज्यों ने बहुत अच्छी तरक्की की है। यहाँ तक कि जो भाजपा शासित या भाजपा के सहयोग से शासित राज्य हैं उनमें भी अच्छी तरक्की हुई है, मगर उत्तराखंड पीछे की तरफ हटा है। तो इस स्थिति को लेकर के उत्तराखंड का प्रबुद्ध नागरिक चिंतित है और इसीलिए लोग परिवर्तन को जरूरी बता रहे हैं, कह रहे हैं खंडूरी भाजपा की मजबूरी। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत, जो न केवल भरोसे में है बल्कि पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस 2012 में उत्तराखंड को नेतृत्व देने जा रही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन खंडूड़ी है जरूरी या हरीश रावत जी की सोच, कौन भारी पड़ता है उत्तराखंड के नतीजों पर। अब देखना यह है कि मार्च में शपथ कौन लेता है। मोहम्मद सलीम सैफी, मुंसिफ टेलीविजन, देहरादून।